फ्रेंड्स, आज हम रना के किचन में बनाएंगे हाका नूडल्स। चलिए, कैसे बनाते हैं हाका नूडल्स? नूडल्स बनाने के लिए पहले हमने एक बर्तन ले लेना है, जिसमें हमने पहले ही पानी को बॉईल कर लेना है। देखिए गाइस, मैंने पानी पहले ही बॉईल करके रखा हुआ है और यहाँ मैंने हाका नूडल्स लिए हैं और मैंने हाका नूडल्स डायरेक्ट ही दो पीस करके इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑयल डाल लेना है। फ्लेम को मैंने बंद किया हुआ है और जस्ट इसको कवर करके रख देना है। साथ के साथ हम बनाते हैं तड़का। चलिए, यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल डाला है। सबसे पहले मैंने एक चम्मच लहसुन लिया है, एक चम्मच अदरक, यहाँ पे स्लाइस किए हुए अनियंस बहुत ही बारीक काटने हैं। नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, ये बहुत ही पतली कढ़ाई है। बर्तन हमने पतला ही यूज करना है, थिक बर्तन हमने नहीं यूज करना नूडल्स के लिए। गाइस, इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी हमने नूडल्स बनाने हैं तो हमारी जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको हमने बहुत ही बारीक बारीक स्लाइसेस में काटना है। देखिए, साथ साथ मैं इसमें रेड कैप्सिकम, येलो और ग्रीन कैप्सिकम डाल रही हूँ। साथ ही साथ गाइस, मैंने इसमें कैरेट और पत्ता गोभी डाल देनी है। सब्जियों को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, हमारी सब्जियां ज्यादा ओवर कुक हो जाए। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करनी हमने सब्जी। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डालेंगे। मैंने एक चम्मच के तकरीबन नमक डाला है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, देखिए गाइस, पैन में से मैंने नूडल्स निकाल लिए हैं। चलिए, इसको अच्छे से छानने के बाद हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। देखिए गाइस, एक तरफ से हमने नूडल्स को छान लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉसेस। इसमें मैंने एक स्पून में डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, एक स्पून सोया सॉस, एक स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको डालिए। और एक चम्मच में डालूंगी इसमें विनेगर। और मैं इसमें आधा चम्मच डालूंगी चिली सॉस। साथ ही साथ जो हमारे नूडल्स हमने बॉईल किए हुए थे, तो हमने उबले हुए पानी में डाले थे, उसको हम नूडल्स को बहुत ही धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। हमारी फ्लेम को हाई ही रखना है। देखिए गाइस, ये हमारे नूडल्स बन गए हैं और इसको हम प्लेटिंग करेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर देना है। चलिए, प्लेटिंग करते हैं। इसको प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे सिजलिंग प्लेट यूज की है। मैं इसको सिजलिंग प्लेट को फुल फ्लेम पे गर्म करूंगी अच्छे से, नूडल्स एकदम सड़ ना जाए। तो इसीलिए पहले मैं इसमें थोड़े से पत्ता गोभी के लीफ ये रख रही हूँ, इसके ऊपर मैं नूडल्स रखूंगी। प्लेट मैंने इसीलिए यूज की है ताकि गेस्ट आए हुए हैं, नूडल्स हमारे ठंडे ना हो जाएं, तो हमारे नूडल्स गर्म ही रहेंगे।
गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर धनिया डाल दिया है, आप चाहे स्प्रिंग अनियंस भी यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये नूडल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।